गुड इवनिंग टीटी के एस्पायरेंट्स। अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अपने नीट का एग्जाम पास आता जा रहा है, तो स्टूडेंट में मेंटली प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक हाई लेवल का प्रेशर इस टाइम पे इस स्टेज पे आने के बाद क्या होता है बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि इस टाइम में नींद भी काफी आती है ना, और यही वो टाइम है, यही वो टर्निंग पॉइंट है जो डिसाइड करता है कि हमको दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या फिर हमको एक मेडिकल कॉलेज में जाना है। ये वही स्टेज है जहां पे आपका ये फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, तो इस टाइम को क्या करना है, हमको अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, केवल और केवल एक स्ट्रेटेजी की वीडियो है जिसमें बता दूंगा कि आपको मतलब इन 3 महीनों को कैसे यूटिलाइज करना है। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना, और जिनको लग रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हो पा रहा, केवल उन लोगों के लिए वीडियो, क्योंकि जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट है और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं वो आगे कंसिस्टेंटली करते जाएंगे, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना, जिन्होंने अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं दिया है, तो ये उनके लिए है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बायो के, बायो को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं इन 3 महीने में। तो हमारे पास कितने मंथ है, हमारे पास 3 मंथ्स है, अप्रोक्सीमेटली 90 डेज है। ठीक, ये हमारी एनसीईआरटी है, कौन सी एनसीईआरटी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, और इस एनसीईआरटी में कितने पेजेस हो, कितने पेजेस हैं, 271 पेजेस है। ये 12th की एनसीईआरटी है, इसमें लगभग 227 पेजेस है। अब आपको ये बात बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि हर चैप्टर से पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होता है, बाद में समरी होती है, और समरी के साथ साथ क्या होता है एक्सरसाइज दे रखी होती है। ठीक है, समरी और एक्सरसाइज को मुझे लगता नहीं कि जनरली कोई पढ़ता है, वो अंदर का ही कंटेंट पढ़ता है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो 11th क्लास में पार्टली हमारे पास कितने पेजेस हो जाएंगे, आई थिंक 200 पेजेस है जो हमको याद करने पड़ते हैं, और जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसमें लगभग 200, इसमें भी 200 पेजेस हो जाएंगे जो हमको याद करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास पेजेस कितने हैं, 400 पेजेस। देखो, आपने ये सुना होगा, काफी लोगों से आपने सुना होगा, यार काश मुझे 1 दिन मिल जाता, काश मुझे 5 दिन और मिल जाते, तो यार मैं ये चैप्टर भी पढ़ लेता, ये भी कर जाता। ठीक है, तो हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको काश 1 महीना और मिल जाता तो हम इतना अच्छा कर लेते। ठीक, तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर रहे हैं, हम अपनी प्रिपरेशन को नीट के 1 महीना पहले अच्छे से तैयार कर लेंगे पूरा का पूरा। ठीक, तो हमने जो लिमिटेशन हमने बना ली है, वो लिमिटेशन हमने बना ली है अपनी 5 अप्रैल, यानी कि 5 अप्रैल तक हमको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद जो 1 महीना हमारा बचेगा उसमें हम केवल और केवल टेस्ट लगाएंगे, रोज डेली के 2 टेस्ट सोल्व करेंगे, किसके, नीट के। तो 90 डेज है, 90 डेज में 60 डेज हमने आधा निकाल दिया थे, और ये 30 डेज हमने किसके लिए दिए, नीट की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इन 60 डेज में हमको क्या करना है, इन 60 डेज में हमको पूरी ईमानदारी के साथ अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक, और इन 30 डेज में हमको क्या करना है, हमको टेस्ट सीरीज लगानी है, और क्या करना है, अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। कितनी बात क्लियर है, अब मेरी बात सुनो, 11th क्लास की बायोलॉजी के लिए रोज डेली 1.5 घंटा, 12th क्लास की बायोलॉजी के लिए रोज डेली 1.5 घंटा, यानी बात समझ आ रही। अगर हम 400 पेजेस को डिवाइड, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम इन 400 पेजेस को 60 डिवाइड करते हैं तो आई थिंक 6.666 आता है, हम 7 मार नहीं सकते, तो हमको क्या करना है, 7 पेजेस पर डे हमको क्या करना है, याद करने है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप आई थिंक 4 इसके पढ़ो रोज डेली, 4 पेजेस,
पर डे स्किप करो और 3 pages पर डे स्किप करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमको क्या करना है, हमको 7 pages पर डे पढ़ने हैं, 4 pages स्किप पढ़ने हैं और 3 pages पर डे स्किप पढ़ने हैं, ठीक है। 7 pages कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमने एक बार पहले से सिलेबस और अपना पढ़ रखा है और इसमें से कहने का मतलब ये है कि इसमें से हमारे पास 10-15 चैप्टर ऐसे होंगे जो हमको पक्का याद है, इसका मतलब हमारा सिलेबस को ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है इलेवन ट्वेल्थ कंप्लीट करने के लिए। अब होगा क्या कि जब आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ इलेवन और ट्वेल्थ की बायोलॉजी कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, 1 महीना और बचा है, कौन सा बता, ये बता। इसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है आपको रोज देनी 3 hours बायोलॉजी को देनी, ठीक है। इससे कम देंगे तो नहीं निकल पाएगा अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप इस बात को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर मैंने मुझको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं सोल्व कर लो, ठीक है।